नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन फिर एक बार। आज हम पढ़ेंगे स्टेपर मोटर। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेपर मोटर 3 टाइप्स की होती है, तो आइए समझते हैं। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, बी जो है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, और सी जो हमारा है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। यह एक ओपन लूप स्पीड कंट्रोल सिस्टम पे काम करती है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है लोड पर डिपेंड नहीं करती है। ये एक निश्चित कोणीय दूरी पर पल्स तय करती है, जैसे 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 30 डिग्री, और ये 1200 पल्स पर सेकंड हैंडल कर सकती है। और इसकी रोटेशनल स्पीड जो है पल्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे फर्स्ट जो है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, इसके अंदर जो होता है रोटर हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है, और इसमें जो स्टेटर पोल होते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में बता रखे हैं कि 4 स्टेटर पोल और 6 रोटर पोल होते हैं, और इनका इंपॉर्टेंस ये होती है कि स्टेपिंग एंगल जो होता है हमारा रोटर पोल पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये अल्फा जो हमारा स्टेपिंग एंगल हुआ 360 अपॉन नंबर ऑफ फेज इनटू नंबर ऑफ रोटर पोल, तो इसमें हमारे फेज कितने हैं, 2 फेज हैं, और रोटर पोल जो कितने हैं, रोटर पोल जैसे हमारे डायग्राम में दिख रहा है कि 6 रोटर पोल हैं, और 6 रोटर पोल होने के बाद जो हमारा ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा स्टेपिंग एंगल निकला, ये निकला 30 डिग्री। और अब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि जैसे कि हमने इसमें 1, 2, 3, 4 चार स्टेटर पोल को हमने नंबर दिए हैं, और रोटर पोल को हमने इस तरीके से N और S पोल को बताया है। अब जैसे कि हमने मान लो कि हम स्टेटर पोल की वाइंडिंग इस तरीके से करते हैं कि जब हम इसको स्विच ऑफ करेंगे, स्विच वन को, तो स्विच वन को ऑफ करने के बाद हमारा जो ये वन पोल जो होगा स्टेटर का, ये जो होगा N पोल हो जाएगा, और ये N पोल होने के बाद में इस तरीके से अलाइन हो जाएगा जैसा कि अभी हमें दिख रहा है। और जब हम इसी तरीके से टू पॉइंट को हम स्विच टू को हम स्विच ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे एन पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ एन पोल प्रोड्यूस होगा, तो ये एस पोल जो होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरीके से ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करने के बाद इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। और इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 को हम अगर स्विच ऑफ करते जाएंगे, तो ये इस तरीके से मूव करने लग जाएगा, स्टेटर पे एन पोल प्रोड्यूस होगा, और ये एस पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से ये रोटेट करने लग जाएगा। और इसी की तरह स्विचिंग हम जस्ट इसका अगर उल्टा कर देंगे, जैसे कि 4, 3, 2, 1, तो ये जो होगा इसका रोटेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉक वाइज, सेम इसका वाइस वर्सा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो बस आपको यही लिखना है, थोड़ा सा मैं जैसे आपको समझा दिया है। ओके, तो आइए समझते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप की स्टेपर मोटर। इसमें जो होता है कि रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप का ना होके फेरोमैग्नेटिक मल्टीपल टूथ टाइप का होता है, और इसमें जैसे रोटर पोल जैसे हमारे डायग्राम में दिख रहे हैं वैसे 6 रोटर पोल होते हैं, और इसका स्टेपिंग एंगल की जो हम बात करें, तो इसका स्टेपिंग एंगल का फॉर्मूला जैसा हमारा होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ फेज इनटू नंबर ऑफ रोटर पोल, तो नंबर ऑफ फेज इसमें कितने हुए 4, और रोटर पोल कितने हुए 6, तो स्टेपिंग एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और इसमें क्या होता है कि जैसे स्टेटर कोईल, अगर हम इसको जैसे डीसी सप्लाई देके एक्साइट करते हैं, तो क्या होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से रोटर को क्या लो रिलक्टेंस पाथ मिलता है। और अब इसका हम स्विचिंग को समझते हैं, ये वर्किंग प्रिंसिपल जो हमारा इसका हुआ, जैसे फेज 1-1 डैश है, फेज 2-2 डैश है, तो इनका हम समझते हैं। फेज 1-1 डैश को जैसे क्लोज किया या एक्साइट किया हम बोल सकते हैं, एक्साइट करते हैं, तो इसमें जो रोटर पोल जो है 1 और 4 इनके आमने सामने जैसे अलाइन हो जाता है, अलाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने इसको हटाया, ओपन किया, और 2-2 डैश को हमने स्विचिंग मतलब एक्साइट किया बोल सकते हैं, क्लोज किया वापस, तो 15 डिग्री ये रोटर जो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अलाइनमेंट इनके सामने जैसे रोटर का 2 पोल और इसका 5 पोल इसके सामने अलाइन हो जाएगा। अब सेम उसी तरीके से हमने जैसे 2-2 डैश को अब ओपन किया, और 3-3 डैश को हमने क्लोज या एक्साइट किया, तो रोटर पोल ये 15 डिग्री अब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 3 और 6 अब इनके आमने सामने आ जाएंगे, और इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगा। अब सेम इसका हम स्विचिंग ऑर्डर हम जब अपोजिट कर देते हैं फेस का, 1-1 डैश, उसके बाद हमने 4-4 डैश कर दिया, 3-3 डैश कर दिया, तो क्या होगा कि रोटेशन जो होगा रोटर का वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन रोटर का करेगा। इसी तरीके से बस इसकी स्विचिंग पे हमारा इसका जो होगा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा वो डिपेंड करता है। तो आइए समझते हैं अब हमारा जो है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। इसके अंदर जो जैसा कि डायग्राम में हमें दिख रहा है कि स्टेटर पोल जो होते हैं 4 होते हैं, रोटर पोल जो होते हैं 6 होते हैं, इसके अकॉर्डिंग स्टेपिंग एंगल जैसे कि हम हर बार निकाल रहे हैं
360 अपॉन नंबर ऑफ फेज इनटू नंबर ऑफ रोटर पोल। तो नंबर ऑफ फेज इसके अंदर जो होते हैं हमारे 2 होते हैं, और रोटर पोल जो होते हैं 6 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेपिंग एंगल जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री, और स्टेटर पोल जो अब हमारे हैं वो है 4, और रोटर पोल जो है वो है 6। अब जैसे हमने स्विचिंग, आइए हम अब इसका रोटर पोल जो होता है परमानेंट मैग्नेट और टूथ टाइप का होता है। अब इसका जो, अब आइए हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। जैसे हमने स्विचिंग ऑर्डर 1 और 1 डैश, तो हमने जैसे इसको हमने एक्साइट किया तो क्या होगा कि अलाइनमेंट जो होगा, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, रोटर पोल स्टेटर के एन पोल के सामने, स्टेटर का ये रोटर का एस पोल, और इस स्टेटर का एस 1 डैश का जो रोटर पोल है ये एस हो जाएगा, और ये एन जो होगा रोटर पोल, ये दोनों अलाइन हो जाएंगे आमने सामने, इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगा जैसा डायग्राम में अभी दिख रहा है। अब जैसे हम 2 और 2 डैश को कर देंगे तो क्या होगा कि 30 डिग्री अब क्या होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जैसे अब ये एन हो जाएगा और ये एस हो जाएगा रोटर का पोल, अब ये एस इस एन की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये वाला एन इधर आएगा, तो ये वाला एन अब जैसे इधर आएगा तो क्या होगा कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से अब स्विचिंग ऑर्डर हम जब उल्टा कर देंगे इसका 2 2 डेज से करेंगे फिर 1 1 डेज, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन इसका करने लग जाएगा। तो रोटेशन, जैसा कि मैं हर बार आपको कह रहा हूँ कि स्विचिंग ऑर्डर के ऊपर हमारा स्टेपर मोटर का रोटेशन डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज मूव रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो ओके, थैंक। हाइब्रिड मोटर में जैसे कि मैंने एक बात और ऐड करना है कि जैसे कि जब हम उसको स्टॉप करते हैं तो रोटर जो होता है अपनी ही पोजीशन में स्टेटर के सामने, उसी जिस पोजीशन में हम उसको स्टॉप करते हैं उसी पोजीशन में वो लॉक हो जाता है। और अब हम करैक्टरिस्टिक के बारे में हम समझते हैं। जैसे ये स्टेप है और ये पल्स है, और ये स्टेप और पल्स हाई पल्स रेट लो पल्स रेट है, इस तरीके से हम इसको बता रखा है करैक्टरिस्टिक में। अब टॉर्क और पल्स रेट में हम समझते हैं कि इनके बीच में कैसे है, इनके बीच में 2 मोड होते हैं, स्टार्ट स्टॉप मोड और स्लोइंग मोड। स्लोइंग है ना, स्टार्ट स्टॉप मोड में क्या होता है कि मोटर जो होती है पल्स के साथ स्टार्ट होती है, पल्स देते हैं तो वो स्टार्ट होगी, और पल्स जैसे ही हम बंद करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टार्ट स्टॉप मोड। और स्लिंग मोड में ये होता है कि जैसे हम पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दी तो क्या होता है, एक्साइटेशन इतना हो जाता है कि मोटर जो होता है सिंक्रोनाइजेशन के बाहर चली जाती है, और उसका जो रोटर जो है वो स्विंग करने लग जाती है मोटर, तो इसी कारण इसको स्लिंग मोड कहते हैं। और इसके हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, तो एप्लीकेशन जो इसके हैं जैसे एक्सेटेबल हुई, सोलर पैनल हुए, इनकी क्या होती है पोजीशनिंग होती है, तो वो स्टेपर मोटर के थ्रू इनकी पोजीशनिंग हम करते हैं। और जैसे हम टाइपराइटर हुआ और कंप्यूटर के सहायक उपकरण हुए, उनके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर और एसी स्टेबलाइजर में, ऐसे बहुत सी जगह हम स्टेपर मोटर का यूज़ करते हैं जहाँ हमको एक निश्चित एंगल के साथ हमें काम करना है। धन्यवाद, आज का ये टॉपिक समाप्त होता है।